होम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी भी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे कुछ सब्जियाँ चाहिए, जैसे कि एक कटोरी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और दो बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जो हमने यहाँ पे काट के रख लिया है, और दो पैकेट चाउमीन जिसे हमने तोड़ के रख लिया है। हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भी काट के रख लिया है। चलिए हम चाउमीन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चाउमीन को गर्म पानी में बॉईल करेंगे। गैस को ऑन करके पानी को गर्म कर लिया है। अब इस गर्म पानी में एक चम्मच तेल डाल देंगे और इसे चला देंगे। इसके बाद हम इसमें चाउमीन डालकर बॉईल करेंगे। तेल डालने से हमारे चाउमीन आपस में चिपकेंगे नहीं। चाउमीन को हम 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। ये देखिए, ये चाउमीन अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। एक स्ट्रेनर के मदद से हम इसका पानी निकाल कर इसके ऊपर हम नॉर्मल पानी भी डाल देंगे, ताकि ये हमारी चाउमीन आपस में चिपकेंगे नहीं। अब हम सब्जियों को भूनेंगे। तो चलिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई को इसके ऊपर रखकर गर्म करते हैं। कढ़ाई अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल भी डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल को अच्छे से कढ़ाई में हम इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले बंधा गोभी डालकर अच्छे से चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन सारी सब्जियों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। थोड़ी देर के बाद बारीक कटे हुए प्याज डालकर भी हम अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद शिमला मिर्च भी डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। इन सभी सब्जियों को अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। हमें सब्जियों को ज्यादा देर नहीं भूनना है। इस तरह से हमें भूनना है और इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक को डालकर अच्छे से चलाकर मिला लेंगे। हमारी ये सब्जी अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चाउमीन को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, चाउमीन आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। हमें थोड़े थोड़े करके इन सारे चाउमीन को इन सब्जियों में डालकर अच्छे से मिला लेना है, और थोड़ी देर बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे। ये चाउमीन अब अच्छे से भून चुका है। अब हम गैस से इसे उतार लेंगे। एक दूसरे पैन को गैस के ऊपर रखेंगे और गर्म करेंगे। ये पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालकर चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। इसमें बारीक कटी हुई अदरक मिर्च लहसुन को डालकर अच्छे से भुनेंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद बारीक कटे हुए बंधा गोभी, शिमला मिर्च और प्याज डालकर हम अच्छे से भुनेंगे। इस तरह से चलाते हुए हल्का ब्राउन कर लेंगे। साथ ही साथ थोड़े से नमक भी डालेंगे। इसके बाद टोमेटो सॉस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। दो चम्मच पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम 1 कप पानी डालकर इसे ढक देंगे। 2 मिनट इसी तरह से हम पकने देंगे। इसके बाद एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर और पानी डालकर एक घोल बनाएंगे और इस उबलते हुए ग्रेवी में डाल देंगे। इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, ग्रेवी कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। एक अच्छा सा कलर आने के लिए हम 1 चम्मच इसमें सोया सॉस भी डाल देंगे। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। इस ग्रेवी को चाउमीन में डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से इसे मिलाएंगे। इसके बाद थोड़े से बारीक कटी हुई हरा धनिया भी डाल देंगे। तो ये लीजिए, हमारी सिंपल सी टेस्टी चाउमीन बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। चाउमीन देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी चाउमीन की रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल होम किचन को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।